करना है सेकंड फंक्शन को, और हमें मालूम है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन को, और हमें मालूम है एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, वन था, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है एक्स कॉस एक्स प्लस वहां पे साइन एक्स। यही तुम्हारा वहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लो, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इक्वेशन लिखी है वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू, या ऐसा लिखो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि जो भी y है वो y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को वहां पे सेकंड फंक्शन मान लो। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को, e टू दी पावर x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो e टू दी पावर x ही होगा प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट को x स्क्वायर का 2x, अब क्या चीज कॉमन ले लोगे, x इंटू e टू दी पावर x कॉमन ले लोगे तो रिजल्ट वहां पे बनेगा x प्लस टू। यही तुम्हारा वहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वहां पे। अब जैसे मैंने पहला लिया, मान लो मैं बोल रहा हूं y इक्वल्स टू साइन टू एक्स, y इक्वल्स टू साइन टू एक्स, फिर बोल रहा हूं वहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x की पावर 6, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फिर वाई इक्वल्स टू, मान लो वाई इक्वल्स टू मेरा हो गया वहां पे एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहां पे जितने भी रिजल्ट लिखे हैं वहां पे देखोगे, सभी में यहां पे दो फंक्शन है और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म से क्या है, रिलेटेड है। अब इस केस में अगर मुझे क्या करना है, इस केस में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पर, तो पहले मैं इसको लेता हूं फर्स्ट केस को, तो चेक करो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था y इक्वल्स टू साइन टू एक्स। हमने साइन टू एक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, रूल क्या है, साइन एक्स होगा तो कॉस एक्स होगा, साइन टी होगा तो कॉस टी होगा, साइन टू एक्स का हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि जो साइन टू थीटा होता है, रिवाइज करो उस चीज को, फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो चेक करो ये था कि नहीं था। तो अब मैंने क्या किया, साइन टू एक्स का फॉर्मूला लिखा और उसको लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, रूल क्या होता है, अगर कॉन्स्टेंट होगा तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, अब डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स कॉस एक्स को, साइन एक्स को मान लो फर्स्ट फंक्शन, कॉस एक्स को मान लो सेकेंड फंक्शन, तो क्या लिखोगे यहां पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स हो गया।
तो अगले स्टेप में आता है डी वाई बाई डी एक्स। टू तो कांस्टेंट है, बाहर है। अगले स्टेप में ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो है कि नहीं है वहां पे। और आगे जब जाओगे तो ये मैथ्स में पढ़ोगे कि ये भी मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देता है कॉस टू थीटा। यानी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा क्या देता है, तो ये देता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वहां पे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि साइन 2x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिजल्ट वहां पे क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा 2 cos 2x। और ध्यान ना, अभी मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी क्या करिए, यूज करिए। तो इसको हम नोट डाउन करो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 6। अब मान लो इसको भी हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। एक्स टू दी पावर 6 का क्या होता है, 6x टू दी पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का 2x, ये रिजल्ट क्या हो गया 6x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 7, तो रिजल्ट हो जाएगा 8x टू दी पावर 7। देखो है कि नहीं है। अच्छा, अब इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करो, x टू दी पावर 2x टू दी पावर 6 क्या हो गया x टू दी पावर 8, और हमें मालूम है डी वाई बाई डी एक्स यहां पे क्या देगा 8 इंटू फॉर्मूला क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज करो, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 क्या दे देगा 7 दे देगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 8x टू दी पावर क्या हो गया 7। क्लियर हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन में हो जरा, जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें मैं क्या चीज डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर log x। अब मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करना है सेकेंड फंक्शन को log x का 1 बाय एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। तो ये जो डी वाई बाय डी एक्स होगा इसकी वैल्यू यहां पे हो जाएगी x प्लस 2x log x। देखो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में चाहो तो x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 log x। देखो यही कि नहीं वहां पे। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का। अब लास्ट मैंने क्या लिया है, वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 इंटू क्या हो गया कॉस एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब y अगर है x टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स, अब मुझे यहां पे डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, तो क्या लिखोगे x टू दी पावर 5 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू एक्स टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4। तो डी वाई बाय डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाय डी एक्स हो गया 5x टू दी पावर 4 cos x माइनस x टू दी पावर 5 sin x। अब चाहो तो x टू दी पावर 4 को वहां पे क्या ले लो कॉमन ले लो। तो समझ में आया,
जब भी वहां पे कोई फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो इसी तरह से वहां पे हम क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो था, ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कोशंट रूल। कोशंट रूल भी बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल भी। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बोला नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कोशंट रूल या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कोशंट रूल। इसको हम कोशंट रूल भी बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल भी। अच्छा, अब जैसे मैं अगर कभी लिखता हूं कि y इक्वल्स टू मैंने लिखा x अपॉन e टू द पावर x, मैंने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू x अपॉन e टू द पावर x। अब मैं अगर बात करूं तो x क्या है? एक फंक्शन है। तो तुम बोलोगे न्यूमरेटर में भी क्या है? एक फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर में भी क्या है? एक फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे हम दो फंक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब मुझे अगर यहां पे डिफरेंशिएट